मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी 6 दिन की विदेश यात्रा से आज भोपाल लौट आए। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में निवेश करने के करीब 76,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं, इनको जल्दी ही जमीन पर उतारने के प्रयास होंगे, जिससे प्रदेश में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं खुलेंगी। और क्या खास रहा सीएम के इस विदेश दौरे में, देखिए इस रिपोर्ट। परदेश से लौटे मध्य प्रदेश के सीएम का दिल्ली में भव्य स्वागत हुआ। हाथ में तख्ती लिए नेता सीएम का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सीएम पहुंचे, उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। यहाँ दिल्ली में मित्रों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, अपने नेताओं ने सब जो अभिनंदन किया, मैं उसका आभार मानता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उनके साथ कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश को भी विकास के नए आयाम तक पहुँचा, ये प्रयास है। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश के मुखिया अपने प्रदेश पहुंचे तो राजधानी में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम को उपहार के रूप में एक मुरली भी दी गई। सीएम मोहन यादव ने पूरी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम समर्पित की है। मध्य प्रदेश और भारत सरकार दोनों के मिलकर डबल इंजन की सरकार चलेगी, इसलिए पूरी यात्रा उनको समर्पित है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी और मोदी जी के लिए भी। आगे उन्होंने कहा कि भारत लगातार विकास कर रहा है, पहले इंग्लैंड को पीछे छोड़ा और अब जल्द ही जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ने को तैयार है। 2014 के पहले हमारी आर्थिक व्यवस्था में हमारा नंबर 11वां था और जब हमारी यात्रा हुई तो इसके चुनाव के पहले ही 23 के पहले माननीय मोदी जी ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके भारत आगे बढ़ाया। ये बहुत महत्व की है। हम 5वें नंबर पे आए, वो 6ठे नंबर पे गए और आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर हम 3रे नंबर पे आएंगे। 24 नवंबर से यूके जर्मनी दौरे पर रवाना हुए सीएम मोहन 30 नवंबर को भारत लौटे हैं। कुल 6 दिनों की इस यात्रा में सीएम ने राज्य, राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर विदेशी निवेशकों को जुटाने का प्रयास किया है। यात्रा के दौरान सीएम यादव ने यूके के लंदन, बर्मिंघम और जर्मनी के म्यूनिक और स्टटगार्ट का दौरा किया। सीएम के विदेश दौरे का मुख्य उद्देश्य निवेश लाना था और ऐसा हुआ भी। सीएम की एक विदेश यात्रा से मध्य प्रदेश के लिए नया माहौल तैयार हुआ है। यूके से 60,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है। जर्मन कंपनी को भोपाल में भूमि आवंटित की गई है। जर्मन कंपनी को 6.72 एकड़ जमीन आवंटित की है। इतना ही नहीं, जर्मन भाषा के लिए एमपी में लैंग्वेज इंस्टीट्यूट भी खुलेंगे। मोहन यादव अपने दौरे के आखिरी दिन स्टटगार्ट में थे। जर्मनी की जानी मानी कंपनी लैब के साथ उन्होंने चर्चा की। लैब ने बताया कि वो पहले ही भारत के दिल मध्य प्रदेश में 100 करोड़ का निवेश कर चुका है, दूसरी कंपनियों को भी अब बढ़ावा दे रहा है। राजधानी भोपाल में फरवरी 2025 को इन्वेस्टर समिट होने वाला है। इस समिट में मोहन यादव ने जर्मन कंपनी को भी न्योता दिया है। खासकर यहाँ लैब कंपनी हमारे पिछले साल से हमारे संपर्क में भी है और वो अपने 100 करोड़ से ज़्यादा का निवेश तो ऑलरेडी कल के अपना काम चला रही है और उसी के कैंपस में हमने बाकी लोगों को इसी आधार पर बुलाया है कि आप आइए, ये कंपनी काम कर रही है, आप भी करिए। और हर एक को काम मिल रहा है, कम खर्च में ज़्यादा अच्छे से काम करने की जो इनकी आदत है, उससे मध्य प्रदेश को काफ़ी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री यादव की जर्मनी और यूके यात्रा से प्रदेश को न केवल व्यापारिक लाभ हुआ है बल्कि औद्योगिक दृष्टि से फायदा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो यूके और जर्मनी से 78,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मध्य प्रदेश के लिए मिला है, जो कि काफी राहत भरी खबर है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में विदेशी उद्यमियों को निभाने के लिए इस तरीके के प्रयास जारी रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए अगले साल 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और अगले साल ही भोपाल में फरवरी 2025 में इन्वेस्टर समिट होने वाली है। इस समिट में आने के लिए भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंग्लैंड और जर्मनी की कई कंपनियों को इस यात्रा के दौरान न्योता दिया है। उम्मीद है इन प्रयासों से प्रदेश में इंडस्ट्री लगेगी और युवाओं को नौकरियाँ मिलेंगी।